तो इस वीडियो में हम सारी अपडेट्स स्टॉक के बारे में कवर तो करने वाले हैं साथ ही साथ हम एक ट्वीट को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे सो डू वॉज द वीडियो टिल द एंड बिकॉज एंड में हमने स्टार्गेट स्टॉप लॉस और सारी चीज़ें डिस्कस की है तो so, सबसे पहले हम ये ट्वीट रीड कर लेते हैं एंड फॉर माई हिंदी व्यूवर्स हु डोंट नो इंग्लिश सो मैं उनको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू द ट्वीट द ट्वीट से सेज एस टेल्स एस कि जब पूरी दुनिया सो रही है और जब आ, किसी को पता नहीं है स्टॉक के बारे में कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर स्टॉक को बाय कर लो इस टाइम पर मत बाय करो जब स्टॉक ऊपर जा चुका है ऐसा उन्होंने नहीं कहा है बट ये कहा है कि उस टाइम पर बाय करना उन्हें अच्छा लगता है जब स्टॉक एकदम नीचे हो लोगों की लैम लाइट में नहीं हो उनको लोगों को पता ही ना हो कि कंपनी एग्जिस्ट भी करती है सो अकॉर्डिंग टू हिम ही कंपेयर्ड अमेजॉन एप्पल ट्विटर एच एफ सी एल डाइट कॉम केमिकल सेक्टर स्टॉक सो ही कंपेयर अमेजॉन एप्पल ट्विटर विद एच एफ सी एल ब्राइट कॉम एंड ऑल दी अदर केमिकल सेक्टर स्टॉक्स अवेलेबल इन दी मार्केट तो इस मैसेज के दो मतलब निकाले जा सकते हैं पहला वाला मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि एप्पल एमेजोन और ट्विटर दे आर टू बिग टू फॉल मतलब वो एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने एच एफ सी एल ब्राइट कॉम ग्रुप और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को कंपेयर करके ये बताया है कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनीज़ लाइक एप्पल एमेजोन एंड ट्विटर दे आर वेरी बिग दे आर टू बिग टू फॉल वो कभी गिर नहीं सकते सो so, उन्होंने एच और ब्राइटकॉम और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को कंबाइन करके ये बताने की कोशिश की है कि दे आर ऑल्सो नाउ हैव बिन टर्न टू टू बिग टू फॉल कैटेगरी ये एक मैसेज डी हो सकता है और दूसरा मतलब जो मोस्ट रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि एच ब्राइट कॉम ग्रुप और केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स को उन्होंने इस प्रकार से रिफाइन किया है ऐप्पल अमेजोन और ट्विटर के साथ कंबाइन करके कि जिस प्रकार से अमेजॉन ने आपको हर साल कितने सारे साल तो ऐसे गए हैं अमेजॉन ने तो आपको है ना हंड्रेड हंड्रेड परसेंट के रिटर्न दिए है सेम विथ एच एफ सी एल ब्राइटकॉम एंड केमिकल्स सो जिस प्रकार से अमेजॉन आने वाले सालों में हर साल आपको हंड्रेड हंड्रेड परसेंट के रिटर्न अभी नहीं दे सकता आपको स्टेबल रिटर्न अमेजॉन से मिल जाएंगे लेकिन हर साल हंड्रेड हंड्रेड परसेंट की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अमेजॉन से उसी तरह से एच एफ सी एल ब्राइट और केमिकल जिस प्रकार से उन्होंने पहले परफॉर्मेंस दी उस परफॉर्मेंस को हम फिर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लेकिन स्लो एंड स्टडीडी ओवरऑल मार्केट का मूड इन सर्च स्टॉक्स लाइक एच एफ सी एल ब्राइट एंड केमिकल सेक्टर स्टॉक्स उनके प्रति मार्केट का मूड एक सीधी अपवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा and uh, the more and more people are uh, suggesting hfcl brightcom and chemical sector stocks the more uh, my belief is increasing that these companies can do something in future but the very big mistake that people are doing is your like uh, just like rofi buffett said don't put all your eggs in one basket always diversify your loss and just tell me who is this uh, uh, rofi rofl

मतलब जितना भी उनका पैसा है वो एक ही स्टॉक में डाल रहे हैं एंड मार्केट अगर गिर गया और वो स्टॉक अगर ख़राब रहा तो वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा येस yes बैंक का मैनेजमेंट अच्छा है सारी चीज़ें अच्छी है खाली आ, आ, वो जो एन का ट्रेसेस है वो खराब है जिसके कारण हमें येस yes बैंक गिरते हुए देखने मिल रहा है तो ये बातें हो जाती है कि हर एक चीज़ अच्छी होने के बाद भी कभी कभी सिचुएशन ख़राब हो जाती है सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट अगर बास्केट गिरा तो सारे एग्स खराब हो जाएंगे सो so, दोस्तों इसी के साथ हम हमारी न्यूज़ और अपडेट्स को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप एच एफ या फिर हमारे केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स ये तीनों में से किसी भी एक स्टॉक के अंदर डेडिकेटेडली वर्क करना चाहते हो उनके साथ रहना चाहते हो और नॉलेज uh, लेना चाहते हो सो डू रीड द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस मिस्टर शंकर शर्मा स्टवीट इट विल बी वेरी हेल्पफुल रोअली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी Brightcom Group ग्रुप ने फाइव परसेंट का अपर सर्किट दिया है और पी ई रेशियो आपको इलेवन देखने मिल रहा है सो डोंट एंटर दिस स्टॉक राइट नाव क्योंकि देखिए अभी इसके अंदर अगर आपने बाइंग ई एम ऑर्डर लगाया तो तभी आपको लिस्टिंग मिलेगी जब कोई सेल करेगा और जब कोई बंदा सेल करेगा तो इसके अंदर सीधा लोअर सर्किट चालू हो जाएगा मतलब जिस पॉइंट पर आपने बाई किया है उस पॉइंट से वो लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट मानना चालू कर देगा लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल एन अ शॉर्ट एग्जाम्पल विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट वन मंथ यहाँ पर कई सारे लोगों ने ए एम ऑर्डर्स लगाए थे और इस जगह पर नाइन्टी के लेवल्स पर लोगों के ए एम ऑर्डर्स अचीव हो गए थे और टारगेट होने के बाद इधर से लोगों ने नाइन्टी के लेवल पर बाइंग की ए एम ऑर्डर लगाने की वजह से नाइन्टी के लेवल पर बाइंग हो गया और फिर लोअर सर्किट मार मार के ये आया था अराउंड सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव के लेवल्स पर सो so, दोस्तों नाइन्टी से सिक्सटी फाइव के लेवल्स तो मतलब आप समझ लीजिए मोटा मोटा थर्टी टू फोर्टी परसेंट की गिरावट आप अगर यहाँ पर भी देखिए तो आपको ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट की गिरावट दिखती है सो so, दोस्तों ट्वेंटी परसेंट की

ए एम ऑर्डर अगर आप लगाते हो तब जाकर ऑपरेटर्स का गेम सामने आता है ए एम ऑर्डर्स अगर आप नहीं लगाओगे सर्किट्स के अंदर ई एम ऑर्डर का कुछ काम ही नहीं है अगर आप देखोगे तो इस जगह पर लोगों की बाइंग हो गई फिर बाद में लोगों ने दो से तीन दिन स्टॉक को गिराया गया स्टॉक गिरा वैसे ही फिर बाद में कई सारे लोगों के जब ए एम ऑर्डर सेलिंग के लगना चालू हो गए ना तब जाकर यहाँ पर सीधी सी एक अपसाइड आ गई अब तब तब तो यूट्यूब पे वीडियोस बनने लग गए हर एक जगह पर चैल का मजने लग गया कि ब्राइट ग्रुप ने पाँच परसेंट का अपर सॉकेट मार दिया है लेकिन दोस्तों वो सॉकेट नहीं था वो लोगों को फंसाने की ट्रिक थी और फंसाने की ट्रिक कैसे पता है लोगों ने जब भी नाइन्टी पर लिया और देखा कि वो सीधा एट्टी पर आ चुका है ये देखिए नाइन्टी पर उन्होंने लिया और फिर सीधा वो एट्टी पर आ गया स्टॉक तो फिर लोगों ने टेन का नुकसान देख लिया था लोगों ने सेलिंग ऑर्डर लगा दिया क्योंकि नाइन्टी पर लेने के बाद सेलिंग ऑर्डर फिर से ए ऑर्डर ओडर लगाया क्योंकि बाइंग भी ए ऑर्डर करके ही लिया था ना उन्होंने ए करके बाइंग की थी वैसे ही उन्होंने ए करके सेलिंग कर दी सो तो उसकी वजह से इधर अपसाइड आई एंड वहीं पर लोगों का वो एम ऑर्डर सेलिंग का भी लग गया सो so, लोग टेन परसेंट के नुकसान में निकल गए आई पर्सनली नो समन पर्सनली नहीं लेकिन वर्चुअली जरूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो so, दोस्तों उसने तो सीख लिया कि ए एम ऑर्डर ऐसे टाइम पर नहीं लगाना है जब अपर सर्किट है तभी बाइंग का ए नहीं लगाना है और जब लोअर सर्किट है तभी सेलिंग का ए नहीं लगाना है बस यही कहना चाहूंगा कि इस जगह पर आपको नहीं लगाना है ए एम अभी इधर आपको कोई भी बाइंग ऑर्डर नहीं लगाना है अगर ये स्टॉक नीचे आता है तब आप बाय कर सकते हो एंड ये कोई सजेशन नहीं है मैं बस आपको कह रहा हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दी शेयर देन बाय एनी शेयर वैन इट इज़ इन लोअर सॉकेट पी रे कम देखने मिल रहा है और आर एस आई एम एफ आई भी आपको मिड रेंज के अंदर देखने मिल रहा है सो so, अगर कुछ भी गिरावट आती है इन सब लेवल्स के अंदर सो so मैं आपको बता दूंगा एंड टेक्निकल्स अगर uh, यहाँ पर बारिश हो जाते सो आई विल डू लेट यू नो तब जाकर आप जब ये गिरता है स्टॉक इस तो इसको बाइंग कर सकते हो वरना अगर टेक्निकल्स बैरिश हो जाते हैं तो वो मैं आपको बताई दूंगा तो आप सेल आउट भी कर सकते हो स्विंग ट्रेडर्स वाले अगर आप देखो तो मिस्टर सतीश चीती जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं अभी बाइटकॉम ग्रुप के ऑडियो वाले सेगमेंट के सो उसकी वजह से स्टॉक ने अपर सर्किट नहीं लगाया ये तो इन्होंने बस बताया है कि स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया और ये प्रेसिडेंट बन गए लेकिन दोस्तों यहाँ से हमें अपर सर्किट की जर्नी चालू होते हुए ही देखने मिली है अभी फिर से इसमें थोड़ी गिरावट आएगी फिर अपर सर्किट लगेगा और ऐसी चीज़ें ही हमें इधर चलते हुए देखने मिलेगी ट्रेडिंग जब चलती है तब जाकर इसके अंदर मेन मजा आएगा लेकिन डोंट पुट ऑल दी स्टॉक्स ऑल दी एग्स इन वन बास्केट दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल कंपेरिजन ऑफ एफल वॉज इज ब्राइटकॉम टू लेट मी नो इन कामेंट से कई सारे लोगों की मिथ है कि एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर काम करते हैं दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले वीडियो के अंदर भी बताया था कि एफल इंडिया और ब्राइटकॉम ग्रुप का सेगमेंट एक है लेकिन दोनों एक ही बिजनेस नहीं करते हैं जैसे कि आपको पता है कोल इंडिया कोल इंडिया कोल, इंडिया कोल का बिजनेस करती है और टाटा पावर टाटा पावर भी कोल का बिजनेस करती है लेकिन पिछले दस साल की हिस्ट्री उठाओगे तो कोल इंडिया आपको नेगेटिव में जाता हुआ देखने मिला और वहीं पर टाटा पावर बढ़ा हुए क्यों ऐसा क्योंकि देखिए टाटा पावर पावर का बिजनेस करता है कोल भी पावर का बिजनेस करता है कोल इंडिया लेकिन कोल इंडिया का बिजनेस अलग है और टाटा पावर का बिजनेस अलग है जिसके कारण इसके अंदर चेंजेस आए उसी प्रकार से ब्राइटकॉम का बिजनेस अलग है और एफल का बिजनेस अलग है डोंट जस्ट बी कन्फ्यूज विद एपल एंड ब्राइटकॉम और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्वीट बताया उसको मैंने आपको कहा था कि आप जाके कमेंट सेक्शन भी पढ़ना क्यों कहा था क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई सारे प्रोफेशनल्स लोगों ने कमेंट किया है एंड कई सारे सी ने भी कमेंट किया है एक सी है जिन, जिनको मैंने रिप्लाई किया है जिनसे मैंने चैटिंग करने की कोशिश की है लेट्स सी कि वो वहाँ पर रिप्लाई देते हैं या नहीं तो उन्होंने कहा कि नहीं ब्राइट कॉम को मत ऐड करो अपनी लिस्ट में भाई ब्राइट कॉम सबको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या है सो आई हैव आस्ट हिम दैट वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ब्राइट कॉम सो ही विल लेट मी नो तो जैसे ही रिप्लाई आता है आई विल चैट विद हिम एंड आई विल लेट यू नो इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज इफ यू वॉन्ट वी कैन शेयर इट योर ऑन यूट्यूब चैनल सो लेट्स एंड दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग आई एम ऑलवेज ज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपके लिए एक सरप्राइज है नहीं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा आ, उन, एक कमेंट मैंने पढ़ा था एक कमेंट में क्या है कि जब 400-400 करोड़ के रेवेन्यू आ रहे थे पिछले की पास्ट हिस्ट्री देख लो आप ब्राइटकॉम की रेवेन्यूज आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये स्टॉक लोअर में क्यों जा रहा है सो वो उनके बाद भी एक अच्छी है सही पॉइंट है कि रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी ये स्टॉक खराब क्यों हो रहा है तो नीचे क्यों जा रहा है तो ऐसे स्टॉक के में क्या मैनुपलेशन चल रहा है ऐसा उनका सवाल था एंड उन्होंने इसके अंदर एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं किए सो लेट्स सी कि आने वाला फ्यूचर कैसा रहता है बट वी लेट्स होप कि अच्छा ही रहे लेकिन अभी देखते हैं थोड़ा कंपेरिजन करते हैं एप्पल और ब्राइट अगर आपने पहली बार सुना पहली बार आपको किसी कहा अगर मुझसे आपने सुना है पहली बार कि एप्पल अलग है और ब्राइट अलग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताइए कि आपको वीडियो चाहिए बहुत ही छोटा वीडियो होगा एंड वी विल बी डिस्कसिंग all the ins and outs of this things. So keep learning, keep investing and keep trading.